तो दोस्तों हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें आप देख सकते हैं इनका जो इनपुट शाफ्ट है वो ऊपर नीचे हो रहा है, आवाज़ कर रहा है। जब ये रोटावेटर चलता है तो धड़ 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 की आवाज़ आती है। तो इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले हम बैक प्लेट खोलेंगे। बैक प्लेट किसी रोटावेटर में 9 नट से, 8 नट से और 5 नट से कसा होता है, इसमें 3 नट से कसा है। तो जो भी नट लगा हो वो आप खोल लीजिए, उसके बाद बैक प्लेट को निकाल लीजिएगा। बैक प्लेट को निकालने के बाद जिसमें आपका जिस शाफ्ट से आवाज़ आ रही हो उस शाफ्ट के गियर को निकालना ज़रूरी है। तो उस शाफ्ट के गियर को आप जो है नोक प्लास से निकाल लीजिएगा। हम देखिए इनका इनपुट शाफ्ट में दिक्कत थी, तो इनपुट शाफ्ट में ये जो गियर लगा हुआ है 17 नंबर वाला, ये हम निकाल लेते हैं। उसके बाद इसका EP140 ऑयल जो था वो ऑयल निकाल लेंगे। दोस्तों ऑयल से याद आया, ऑयल आप लोग प्रॉपर टाइम से चेंज किया करिए, क्योंकि उससे ही ऑयल सील और बेयरिंग गियर की लाइफ बनी रहती है। अब हम इसमें इनका ऑयल सील निकाल लेंगे। आगे से ऑयल सील कोई काम में नहीं आएगी, इसलिए किसी भी तरीके से निकाल लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आपको आगे से बेयरिंग दिखने लगेगी, ये इनका देख सकते हैं आप परफेक्टली। ये प्रॉब्लम है, इनका जो शाफ्ट है वो ऊपर नीचे हो रहा है, तो आवाज़ तो करेगा ही। तो इसको हम फिक्स कैसे करेंगे? फिक्स करने के लिए इसमें आगे जो लॉक लगा होता है, और रोटावेटर में 30-20 नौ का लगा होता है, ये शक्तिमान का है, इसलिए इसमें 30-20 सात का लगा हुआ है। तो चाहे जो लगा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको आप निकाल लीजिएगा लॉक को। उसके बाद जिस साइज़ की बेयरिंग लगी होगी उसी साइज़ का मार्केट से आप सिम ले लीजिएगा। सिम आता है इसका आउटर कॉलर के बराबर सिम होता है, उस सिम को लेके 2 या 3 सिम आप इसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर आप लॉक लगा दीजिएगा। लॉक लगाने के बाद आप इसमें ऑयल सील को फिर से वैसे नई ऑयल सील, और आप एडहेसिव लगाना मत भूलिएगा। इसमें एना बॉन्ड का एडहेसिव आता है, एना बॉन्ड रेसी बॉन्ड लगा के उसके बाद ऑयल सील को प्रॉपर बैठा दीजिएगा। ऑयल सील को बैठाने के लिए अगर आपके पास टूल है तो टूल ज़्यादा बेहतर पड़ेगा, अगर टूल नहीं है तो आप कल्टीवेटर जो होता है उसको, जो गुल्ला होता है रोटावेटर जिससे फंसाया जाता है, उस गुल्ले को मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा चोट करके आप बैठा पाएंगे। देखिए उसी से मैंने इसमें बैठाया है, तो इस तरह से आप उसको बैठा लीजिएगा। ऑयल सील प्रॉपर बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑयल रोकने का काम ऑयल सील ही करती है। अगर आपका ऑयल सील सही से नहीं बैठेगी तो सारा ऑयल आपका गिर जाएगा, फिर से आपका गियर या बेयरिंग वगैरह टूटने की समस्या बरकरार रहेगी। तो अब आप देख सकते हैं हमने ऑयल सील आपको बहुत ही प्रॉपर बैठा दिया है, जैसा कंपनी से बैठा हुआ था। उसके बाद हम इनका जो ऑयल निकाले थे EP140 उसको इसमें डाल देंगे। दोस्तों ऑयल से याद आया, आप ऑयल टाइम पे ज़रूर चेंज किया कीजिए। ऑयल टाइम से चेंज करने के साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप परफेक्ट ग्रेड का इस्तेमाल करें, EP140 ही इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग 90 नंबर डाल देते हैं, तो वो ऑयल इसमें नहीं चल पाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। अब हमारा रोटावेटर का प्रॉब्लम जो था फिक्स हो गया है, हम इसको बैक प्लेट को फिर से कस देंगे जैसा लगा था। तो ये थी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।